आज हर तरफ देशभक्ति का जोश देखा जा रहा है। टीवी और अखबारों में तो आज देश के जवानों के बलिदान की गाथा देखी जा रही है। साथ ही लोग भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर गणतंत्र दिवस से जुड़े गाने भी लगा रहे हैं। स्कूल और ऑफिस में भी नाच गाना हो रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ऐसे में पवन, अरुणिता और इनके सभी दोस्त ने भी गणतंत्र दिवस स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया। जी हाँ, पवनदीप, अरुणिता भी किसी जगह पर देशभक्ति के गीत गाते नजर आए। इन्होंने देशभक्ति गीतों को गाकर जोश भर दिया, लोग इमोशनल भी हो गए। पवन अरु के गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ फोटोज वायरल हो रही है। बेशक ये फोटोज पुरानी है, लेकिन आज के दिन इन्हें इस तरह से देखकर लोग वाकई बहुत खुश हो रहे हैं। पवन अरु और इनके सभी दोस्तों ने तिरंगे के रंग पर कपड़े पहने हैं और सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं, तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। अरुणिता व्हाइट सूट में बहुत खूबसूरत लग रही है। सभी सिंगर बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गाते नजर आ रहे हैं। पिछले साल पवन अरु इंडियन आइडल के मंच पर आज के दिन पर कई सारे सैनिकों को सैल्यूट करते नजर आए थे और देश को सम्मान करते हुए बहुत खूबसूरत गाना गाते नजर आए थे। पवन अरु के देशभक्ति गीत सुनकर कुछ सैनिक भी रो पड़े थे और जजेस का तो बुरा हाल हो गया था। पहले आपको पवन अरु की परफॉर्मेंस कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वैसे तो हर तरफ पवनदीप और अरुणिता ही छाए रहते हैं, लेकिन सूरत के वेडिंग फंक्शन में अरुणिता से ज्यादा किसी और ने ही लाइमलाइट बटोर ली। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि इनकी दोस्त और सिंगर अनुष्का बनर्जी हैं, जिन्होंने कल सूरत वाले फंक्शन में चार चांद ही लगा दिए। जहाँ एक तरफ पवनदीप और अरुणिता ने एक साथ परफॉर्मेंस दी, तो वहीं अनुष्का ने आशीष कुलकर्णी के साथ बेहद जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। कई बार अनुष्का पवन के साथ दिखी तो चारों ने मिलकर इस मंच पर धमाल भी मचा दिया। वैसे इस वेडिंग फंक्शन में सिर्फ अरुणिता पवनदीप को ही इनवाइट किया गया था, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन इन दोनों को संभालना मुश्किल हो सकता था, इसीलिए आशीष और अनुष्का को भी ज्वाइन करना पड़ा। इन चारों ने सूरत पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर खूब मस्ती की, जिसकी फोटोज और वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अनुष्का पवन के साथ पोज देती नजर आई थी। इस इवेंट के बहाने ही फिर से पवन और अनुष्का की मुलाकात हुई। जी हाँ, जब से अनुष्का इंडियन आइडल के सेट से निकली थी, तब से आज इनकी मुलाकात हो गई। इंडियन आइडल के मंच पर अनुष्का पवन और बाकी दोस्तों के साथ काफी दिन तक रही, लेकिन अंत में सबसे कम वोट मिलने की वजह से पुणे के आशीष कुलकर्णी, साउथ की सिरिशा, अंजलि और नचिकेत लेले अनुष्का बनर्जी को बॉटम 5 में जगह मिली थी। इन पांचों में से अनुष्का बनर्जी को सबसे कम वोट मिलने की वजह से इन्हें शो से जल्दी बाहर निकाल दिया गया था। ये सुनकर जजेस को बड़ा झटका लगा था। हिमेश रेशमिया ने कहा भी था कि अनुष्का की आज की परफॉर्मेंस मंच की फाइनेस्ट परफॉर्मेंस में से एक थी। आपको बता दें, अनुष्का को सोशल एंजाइटी की बीमारी भी है, लेकिन इस पूरे सफर में नेहा कक्कड़ ने उनका बहुत साथ दिया था। नेहा खुद की इस समस्या से जूझ चुकी हैं। उनका थायराइड से पीड़ित होना भी उनके चिंतित रहने का सबसे बड़ा कारण था। अनुष्का बनर्जी को कई बार अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एंजाइटी अटैक का सामना करना पड़ा था, इसी वजह से उन्हें कई बार रिजेक्ट होकर वापस लौटना पड़ा था। इंडियन आइडल 2020 के ऑडिशन मंच पर भी अनुष्का को इस परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर उन्हें एंजाइटी अटैक आया था, लेकिन फिर भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस के चलते उन्होंने टॉप 15 में अपनी जगह बना ली थी। और काफी दिन बाद अनुष्का को मंच पर ऐसे धमाल मचाते देख लोग बहुत खुश हुए और हर किसी ने अनुष्का की तारीफ की। पहले आपको कल अनुष्का की परफॉर्मेंस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल इस वक्त बहुत खुश हैं, क्योंकि एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं इनके। आज ये पहले गुजरात में एक फंक्शन अटेंड करेंगे, उसके बाद ये 28 जनवरी को कोलकाता जाएंगे। यह घटाल उत्सव में पवन अरु काफी दिन तक अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं और इन सबसे पहले पवन अरु हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। खबरें तो ऐसी भी है कि इस बार हिमेश रेशमिया अभी पवन अरु का रोमांटिक म्यूजिक वीडियो बनवाने वाले हैं। हिमेश रेशमिया भी पवन अरु का उत्तराखंड जैसी जगह पर फोटो शूट करवाना चाहते हैं। ऐसी बर्फीली वाली लोकेशन पर इनका म्यूजिक वीडियो बनवाना चाहते हैं। पहले अभी हिमेश के नए प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जब हिमेश के स्टूडियो से ऐसी खबर मिली है तो यकीनन सच ही होगी। फिलहाल तो आज पवन ने भी अपनी बेहद कूल फोटो शेयर की है। पवनदीप ने उत्तराखंड के बर्फबारी की फोटो शेयर की है।
कुछ दिन पहले ही पवनदीप उत्तराखंड से मुंबई आए हैं और जितने दिन भी वो उत्तराखंड रहे उन्होंने हर एक दिन को बेहद ही मजे से एंजॉय किया, अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ एक एक पल को एंजॉय किया, जिसकी फोटोज आप खुद पवनदीप के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं। पवनदीप ने बर्फबारी में खूब फोटो शूट करवाए। पवनदीप ने आज वही फोटो शेयर की है। फोटो में पवनदीप के चारों तरफ बर्फ की चादर है। ऐसा लग रहा है कि सफेद चूना हर तरफ बिखरा पड़ा है, लेकिन चूने के रूप में ये बर्फ है। उसी बर्फ पर पवनदीप खड़े हैं और रोमांटिक पोज दे रहे हैं। बेशक वो अरुणिता को बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि अरुणिता को भी बर्फबारी बहुत पसंद है और हमें यकीन है कि पवनदीप अपनी अरुणिता को ऐसी बर्फबारी को दिखाने ले जाएंगे। पवनदीप ने फोटो पोस्ट करने के साथ एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है। हम आपको बताते हैं कि पवनदीप का कैप्शन क्या कह रहा है। क्या पवनदीप का कैप्शन किसी को मिस कर रहा है, किसी का मतलब है अरुणिता को? पवन ने लिखा कि बस सुकून चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं हो सकती। और पवन के फैंस ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पवन को सुकून कब मिलता है, जब वो अपने परिवार के साथ होते हैं, जब उनके फैंस उन पर खूब प्यार लुटाते हैं, जब उनके फैंस का सपोर्ट होता है और जब उनकी खास दोस्त अरुणिता उनके पास होती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में खुद ही लिख दीजिए। पवनदीप अरुणिता का फुर्सत गाने का रिप्राइज वर्जन तो अब तक आप सभी ने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देखिए और बताइए पवन अरु की लविंग केमिस्ट्री को इतने दिन बाद देखकर कैसा लगा, और पवन के साथ अरुणिता या फिर चित्रा कौन सबसे ज्यादा खास लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलें। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि अरुणिता ही पवन के साथ महफिल में चार चांद लगा सकती हैं, और इस रिप्राइज वर्जन में साफ साफ देखा जा रहा है कि अरुणिता ने धमाल ही मचा दिया। रिप्राइज वर्जन में फैंस का क्रेज खूब देखा जा रहा है। गाने और रिप्राइज वर्जन की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा रिप्राइज वर्जन को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है, क्योंकि रिप्राइज वर्जन में अरुणिता है और गाने में चित्रा है। मैं आपको बता दें कि पवनदीप अपने पिताजी से भी बहुत क्लोज हैं, वो पिताजी से सारी बातें शेयर करते हैं। पवन ने अपने पिता को कुछ बातें काम से जुड़ी बताई। पवन के पिता का एक इंटरव्यू सामने आया तो उन्होंने पवन के काम को लेकर बातें की। पवन के पिता ने बताया कि राज सुरानी के स्टूडियो से कई सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और जल्द ही पवन अरु एक दूसरे के साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, पवन अरु दोनों का सोलो गाना भी रिकॉर्ड हुआ है। पवन के पिता ने बताया कि हिमेश रेशमिया के स्टूडियो से कई सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और जल्द ही पवन अरु एक दूसरे के साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, हिमेश रेशमिया के स्टूडियो से पवन अरु के कई सोलो गाने भी रिकॉर्ड हुए हैं और पवन अरु का ड्यूट गाना भी रिकॉर्ड हुआ है। अब पवन के पिता का स्टेटमेंट सामने आया है तो यकीनन ये बात 100% सही हो सकती है। पहले आप पवन अरु को एक साथ देखने के लिए इंतजार करें और इनके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।